Morning children, now today we will start the new chapter, chapter 13, surface area and volume. Clear? Surface area and volume हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ये volume का क्या concept है? आप लोगों ने कई सारे shapes पढ़े होंगे, जिसमें आप लोगों ने circle पढ़ा है, triangle पढ़ा, rectangle पढ़ा, तो ये अब हम लोग volume का concept कहाँ से आता है? वॉल्यूम जो होता है बेटा वो 3D शेप्स में आता है. 3D शेप्स मीन्स जिसमें लेंथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी हो. दैट मीन्स जिस रूम में आप रहते हैं, जो बॉक्स आप यूज़ करते हैं, जो बुक आप यूज़ करते हैं, जो आप बॉल बात करते हैं. हम लोग अक्सर बॉल को सर्कल में कंसिडर कर, नो दिस इज़ द स्फीयर बॉल हमारी. सिलेंडर, वाटर बॉटल के शेप में, कोन, बर्थडे कैप एसेट्रा, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग इसमें डिनोट किया जाए, इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 3D फिगर्स में. दे ऑल आर 3D फिगर्स. इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन? तो नाउ वी विल कंटिन्यू, वी विल स्टार्ट द चैप्टर, चैप्टर थर्टीन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. कहीं कोई प्रॉब्लम हो अगर आप लोगों को तो आप हमसे पूछ सकते हैं और इसकी क्वेरी हम आराम से आपकी सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो शेप है वो आपका है क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में आपका पेंसिल बॉक्स आता है. हमारा भी पेंसिल बॉक्स है, ये देखिए, लाइक दैट. दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ ब्रेथ, दिस इज हाइट. अब बच्चे सोच रहे होंगे वाओ मैम कितना छोटा भीम मैम देखती हैं. मेरा छोटा भीम बेटा मेरे बच्ची का बॉक्स है. और हम लोग बॉक्स कहाँ यूज़ करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने कॉपी भी बना ली और बॉक्स भी बन गए हमारे. तो आपका तो बनना ही चाहिए, जब आप मेरा बन चुका है तो आपका भी बन जाना चाहिए, राइट? उसे पेंसिल्स भी हैं, ऐसा नहीं है खाली है मेरा बॉक्स, पूरा भरा हुआ है. ठीक है, देखिए, दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ ब्रेथ एंड दिस इज़ हाइट. दिस इज़ द शेप ऑफ क्यूबॉइड. इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन? तो अब हम लोग इसको बनाएंगे. इसको बनाने का अब हम इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे तो नॉर्मल एक रेक्टेंगल शेप लेगा, राइट? तो हमें रेक्टेंगल तो नहीं लेना है ना, तो नॉर्मल रेक्टेंगल. तो हमने क्या किया, देखिए, बनाने के लिए इसको 3D शेप्स में हम लोग बनाते हैं. सब देख रहे हैं कैसे बना रहे हैं, इसीलिए इसके नोट्स को हमने आपके सामने प्रिपेयर करना ज़्यादा ठीक समझा, क्योंकि हम इसमें आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहे थे. लेंथ, दिस इज़ ब्रेथ एंड दिस इज़ हाइट. क्लियर चिल्ड्रेन? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. तो अब लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, इसके हम लोग फॉर्मूले पे फोकस करते हैं. इसका होता है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2LBBH प्लस HL. दैट में L इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ, बी इंटू एच ब्रेथ इंटू हाइट, एच इंटू एल हाइट इंटू लेंथ. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है बेटा व्हेन द बॉक्स इज ओपन फ्रॉम द वन साइड. एक साइड से हमने ओपन कर दिया बॉक्स, राइट? तो इसका ये कर्व्ड बॉक्स है, यानी कि ये ओपन बॉक्स है आपके पास, तो दैट इज कॉल्ड द कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया मीन्स हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL में हमने माइनस कर दिया L इंटू बी माइनस क्यों क्या, देखिए ये क्या ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, समझ रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ हमने माइनस कर दिया. लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एक पोर्शन इसका निकाल दिया अगर हमने, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया ये आपका, आपका हो गया ये टोटल सरफेस, एक का हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया. इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन? ठीक है बच्चों, तो इसके आगे हम बात कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया की. बात एक होता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ये भी आता है इसमें. एरिया ऑफ फोर वॉल्स में चारों दीवारें, मान लीजिए एक रूम होता है ये, एरिया ऑफ फोर वॉल्स में ऊपर का भी हट जाएगा, ऊपर का मेरा रूफ भी नहीं है, नीचे का फ्लोर भी नहीं है, तो टू एल बी माइनस होगा ना, एल इंटू बी, एक एल बी यहाँ से, एल इंटू बी, दिस इज़ लाइक दैट, एल इंटू बी एक यहाँ से आया और एक आपका एल इंटू बी नीचे का हुआ, नीचे से भी ओपन कर दिया हमने. ठीक है, हम आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं.
लुक चिल्ड्रेन, दिस इज़ अ कॉपी. देखें एल इन टू बी, ऊपर से भी हमने हटा दिया, एक ऊपर से भी हटा दिया, एक नीचे से भी हटा दिया. आपके रूम में, अगर रूम में पेंटिंग करने आते हैं कुछ लोग, अगर तो पेंटिंग करने के लिए आप लोग ऊपर डिफरेंट कलर करा रहे हैं. फ्लोर में तो कलर कराते ही नहीं है आजकल, तो फ्लोर भी पेंटिंग होती है लेकिन वो डिफरेंट पेंटिंग होती है. तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ठीक है, वॉल्स पे जो कलर कराते हैं वो डेफिनेटली ऊपर हम लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा कराते हैं, राइट. एरिया ऑफ फोर वॉल्स, सिर्फ फोर वॉल्स की जब हम बात करें, सिर्फ फोर वॉल्स का मतलब वन वॉल, टू, थ्री एंड फोर, ना ऊपर की है ना नीचे की वॉल है. दैट मीन्स जो फॉर्मूला हमारा है टोटल सरफेस एरिया का, यही था ना टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, इसमें 2 into LB माइनस हो गया. एक LB ऊपर का माइनस कर दिया, एक LB नीचे का माइनस कर दिया. तो 2 into LB माइनस कर, ब्रैकेट ओपन किया, 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL माइनस 2 LB. 2 LB 2 LB कैंसिल आउट, दिस मीन्स 2 H कॉमन हो गया. क्लियर चिल्ड्रेन, दैट मीन्स दिस विल बी गेट L into B. मैं लिख सकते 2 L प्लस बी into H. वी विल गेट द फॉर्मूला दिस. Is that clear, children? This is the formula of cuboid. Cuboid में ये एरिया फोर वॉल्स सब कुछ इस तरीके से निकाला जाता है. क्लियर चिल्ड्रेन, अब आगे की बात करते हैं हम लोग. आप लोगों को क्यूबॉइड के बारे में तो पता ही था, कितने फेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट. वर्टिसेस देखिए, 1 2 2 3 4, राइट, 5 6 7 8 9 10 11 and 12. ये सब आप लोगों को क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा इस तरीके से, ठीक है. तो ये 8 हो गए, इसके फेज, इसकी एजेस हो गई 8, सॉरी इसके फेजेस हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6, एजेस हो गई इसकी 12, वर्टिसेस देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके वर्टिसेस पॉइंट है ना 8, तो ये वर्टिसेस की 8 हो गई. इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन. तो बस यही है हमारे, ये हमारा क्यूबॉइड अगर समझ में आ गया है तो क्यूब भी बहुत ईजी है. इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हम यही बता दे रहे हैं ताकि हम वॉल्यूम भी कराते रहेंगे साथ साथ में. वॉल्यूम है L into B into H, राइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. क्लियर चिल्ड्रेन, सभी को क्लियर हो रहा है ये सब चीज़ें. आगे हम लोग देखते हैं, ये हमारा था क्यूबॉइड के बारे में. अब हम नेक्स्ट कराते हैं क्यूब. नाउ चिल्ड्रेन वी विल स्टार्ट क्यूब. जैसे हमने क्यूबॉइड बनाया था वैसे ही हम क्यूब बनाते हैं, ठीक है. क्यूब में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल. इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन, ऑल द साइड आर क्लियर सबके. ये इसमें हर एक बेस इसका स्क्वायर होता है. मेरे पास इस टाइम कोई एग्जांपल नहीं है क्यूबॉइड क्यूब का. एनीवेज आप लोगों को बस पता होगा, लेकिन शॉक बॉक्स ऐसे स्कूल में यूज़ होते हैं, है ना, वो सब इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या होती है, ए होती है. क्लियर चिल्ड्रेन. नाउ इसका भी जैसे इसमें था सारी चीज़ें, टोटल सरफेस एरिया इसका भी है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला था, आपको देखेंगे 2 ALB BH HL, राइट. नाउ चिल्ड्रेन देखिए, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसके में 2 LB BH प्लस HL होता है ना, तो यहाँ LBH सब जगह A लिख देंगे. देखिए 2 A into A, राइट, देखिए आगे प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A. इज दैट क्लियर. आगे देखिए, देखिए 2 A² प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक, 2 into 3 A² दैट मीन्स दिस इज 6 A² क्लियर, 6 A² हो जाएगा. सेम एज इसमें टोटल के बाद क्या लिखा था हमने, कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे भी कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, कर्व सरफेस एरिया में हमने माइनस एल बी किया था ना, एक साइड से ओपन कर दिया अगर, तो यहाँ पर भी 6 A² में से माइनस ए इंटू ए माइनस कर दिया, यानी 6 A² माइनस ए स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 5 A². अब इसमें भी अगर एरिया ऑफ फोर वॉल की बात करता है, अगर कोई स्क्वायर रूम है तो फोर वॉल्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू,
सिक्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू फोर ए स्क्वायर, नॉट आंसर. ठीक है, क्लियर चिल्ड्रेन? तो ये आपका था क्यूब. क्यूब में इसका वॉल्यूम भी हम बता देते हैं, चलिए देख लीजिए, वॉल्यूम भी देख लीजिए. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ए इंटू ए इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. जब सभी इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इंटू ए, यानी हो जाएगा ये ए क्यूब. क्लियर चिल्ड्रेन? इस यूनिट्स ध्यान रखेंगे सबकी हम लोग, जितनी भी स्क्वायर में चीज़ें होती हैं उनकी यूनिट होती है स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये क्यूब है, वॉल्यूम क्यूब में होता है. तो स्क्वायर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जो भी जैसा भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सेट कर लेंगे. एग्जैक्टली हो चिल्ड्रेन? आगे देखिए. नाउ चिल्ड्रेन, दिस इज़ द क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन. अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर है. वाइड, या वाइड यानी कि जो उसकी ब्रेथ है वो कितनी है 1.25 मीटर. ठीक है, डीप मतलब हाइट जो इसकी है 65 सेंटीमीटर. सब कुछ सेंटीमीटर में, तो इसको भी हमने सब कुछ मीटर में, इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन 0.65 मीटर. इज़ टू बी मेड, इट इज़ ओपन ओपन एट द टॉप, यानी कि वही बात होगी हमने जैसे बात किया था, एक कोई बॉक्स है इसको ऊपर से ओपन कर दिया जा रहा है. इज दैट क्लियर? ओपन कर दिया तो एल इंटू बी का हमने माइनस करेंगे. ठीक है, ओपन कर दिया गया है. इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स, प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर फॉर मेकिंग द बॉक्स. अगर ऊपर से ओपन कर दिया गया है तो इसको कितना, इसके में इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 2lb प्लस bh प्लस hl माइनस lb. इज दैट क्लियर? इसको माइनस करेंगे 2 इंटू lb, 2lb b प्लस 2bh प्लस 2hl माइनस l इंटू b. 2lb में से एक lb माइनस हो, दिस इज lb, प्लस 2 इंटू h कॉमन हो गया, अंदर क्या आ गया l प्लस b. अब वैल्यूज़ हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, l की वैल्यू है 1.5, b इज 1.25 प्लस 2 इंटू, h की वैल्यू है 0.65, l की वैल्यू 1.5 प्लस 1.25. इज दैट क्लियर? अब इनको सॉल्व करेंगे. लुक चिल्ड्रेन, इसको हमने सॉल्व कर दिया है. देखिए, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो 1.8752 इंटू 0.65 को करेंगे 1.30 इंटू, इनको प्लस किया 2.75, इसको एज इट इज़ कॉपी कर दिया, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया 3.575, इन दोनों को जब प्लस किया तो 5.45. कॉस्ट ऑफ द शीट, द सेकेंड पार्ट कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर एट, इफ़ द शीट इज़ 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो ₹20 है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स ₹109 होगा. राइट, क्लियर चिल्ड्रेन? एक ये आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया आपका. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. This is question number 2. The length, breadth and height of the room is, room are 5 meter, 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of the whitewashing the wall. इसका क्वेश्चन मेरे ख्याल से अधूरा है, इसको हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं. येस चिल्ड्रेन, दिस इज़ इनकम्प्लीट. तो वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम, कॉस्ट निकालनी है हमें रूम की, एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर. क्लियर? आगे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. ठीक है, लुक चिल्ड्रेन, इसका सॉल्यूशन देखिए. देखिए, लेंथ इज 5 मीटर, ब्रेथ इज 4 मीटर एंड द हाइट इज 3 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम ऑफ द सीलिंग, कॉस्ट भी निकालनी है और सीलिंग एट रेट क्या दे रहा है, ₹7.5 per meter square दे रहा है, यानी कि इसकी हमें वॉशिंग द वॉल्स, सिर्फ वॉल्स के बारे में कर रहा है. ठीक है, लेंथ ब्रेथ है, कॉस्ट निकालनी, वाइट वॉश करना है वॉल्स में ऑफ द रूम में, सीलिंग एट द रूम, सीलिंग का जो दे रहा है
कितना लग रहा है, रुपीज़ 7.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसकी सीलिंग को भी कंसीडर हमें करना है। क्लियर चिल्ड्रेन? ठीक है, सीलिंग को भी कंसीडर करना है। तो आगे देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व। एरिया ऑफ द रूम, या ये कह सकते एरिया ऑफ फोर वॉल इज इक्वल टू 2L, ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी लिख सकते हैं, फॉल्स एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द रूम इज इक्वल्स टू लिख सकते 2L प्लस बी इंटू एच में आपने प्लस एल बी कर दिया और सीलिंग को भी ऐड कर दिया, ये भी कर सकते हैं। या जो टोटल सर्विस एरिया का फॉर्मूला था, टोटल सर्विस एरिया के फॉर्मूले में उसमें एल बी को माइनस कर दिया, तो एक ही बात रहेगी। ठीक है, तो इसमें हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, 2L की वैल्यू है 5 प्लस 4 इंटू एच इज 3 प्लस 5 इंटू 4, 2 इंटू 9 इंटू 3 प्लस 5 फोर ज़ा 20, ना इसको मल्टीप्लाई करें, 9 टू ज़ा 9 थ्री ज़ा 27, 27 टू ज़ा 54 प्लस 20, दैट मीन दिस इज 74 मीटर स्क्वायर। क्लियर? और जो इसकी है पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो है रुपीज़ 7.50। देन आपके पास कितना है, 74 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, तो रुपीज़ 7.50 इंटू 74, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ओके, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इसका आंसर मिलेगा 555 रुपीज़। आप लोग भी इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रेन? ये आपका कंप्लीट होता है। इसी तरह से एक्सरसाइज आपकी जो ये है, एक्सरसाइज 13.1 आपकी होमवर्क है। ठीक है, एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 1, 2 आई डन इट। ओके, दे ऑल द क्वेश्चंस आर होमवर्क। जो नहीं आएगा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम इसके आपके फ़ोटोज भेज देंगे इसको, और उसके बाद इसकी फ़ोटो भेजेंगे और जो क्लियर करना है आप उस पर आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक, क्लियर चिल्ड्रेन? तो हम लोग इसको कल डिस्कस कर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है, एक बार हम आप लोग देखिए, इसमें भी बहुत इजी है वैसे। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, इसका पेरीमीटर दिया गया है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द फोर वॉल्स की कॉस्ट इतना दे दी, इससे हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे इसकी। और जो एरिया ऑफ द फोर वॉल है वो इक्वल होता है लैटरल सरफेस एरिया के, तो ऑल द बोथ आर इक्वल, देन वी गेट द करेक्ट आंसर। ये जो एक्सरसाइज है इसमें सब में एरिया ही फाइंड आउट करने को है आपको। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे करके आएंगे, हम उनसे पूछेंगे भी आपकी एग्ज़ाम आपकी बार आपसे। ठीक है, और इसकी जो इसका एक नेक्स्ट है, इसका जो वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज है वो आपको आगे मिलेगी, बता रहे हैं हम कहाँ, देखिए। यस, एक्सरसाइज जो वॉल्यूम वाली है इसकी, हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला भी करा दिया है, हमने इसीलिए वॉल्यूम का कराया ताकि हम लोग दोनों चीज़ें पैरेलल लेके चलेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.5 में ये एक्सरसाइज वॉल्यूम की है। आप चाहे तो सीक्वेंस में चलें, आए तो आप पहले ही भी कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेज अगर वॉल्यूम का फॉर्म आप लोगों को प्रॉब्लम है कि वॉल्यूम का, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, वॉल्यूम क्वेश्चन बेटा 13.5 एक्सरसाइज में जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपके लिए होमवर्क सिर्फ 13.1 है, अभी 13.1 सब करके आएंगे। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे उसको कंप्लीट कर लीजिए और जो प्रॉब्लम हमसे पूछिए। ओके, थैंक यू।